हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड का टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस किस किस में, होम ट्रेड में और फॉरेन ट्रेड में। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, वो डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 8 पॉइंट्स, जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि स्टेटस है, एजेंट इन्वॉल्व है, ड्यूटी है, वेयर हाउसिंग है, एडवर्टाइजिंग है, ट्रांसपोर्ट है, मार्केट है और मनी है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड को। लेकिन अभी हम जो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, कि क्या डिफरेंस होते हैं होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड में, ट्रेड में ऑन द बेसिस होम ट्रेड की। अब लेक्चर्स जो भी टॉपिक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, को थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं होम ट्रेड क्या होता है और फॉरेन ट्रेड क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए क्या फॉरेन ट्रेड है, क्या होम ट्रेड है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ फॉरेन ट्रेड क्या है। फॉरेन ट्रेड, जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज। ठीक है, एक देश की बाउंड्रीज से बाहर जाके गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना क्या है, खरीदना, इंटरनेशनल बिजनेस या फिर इंटरनेशनल ट्रेड, और जिसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। यानी कि कोई भी एक कंट्री जो अपनी कंट्री में गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है और उसके बाद उसको दूसरी कंट्री में सेल कर रही है, तो इस तरीके से हम इसकी बात कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड। लेकिन अगर हम होम ट्रेड की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसिंग द गुड्स इन कंट्री एंड सेलिंग इन कंट्री। ठीक है, कंट्री में ही प्रोड्यूस करना और उसको उसी ही कंट्री में सेल करना, तो वो हमारा क्या होम ट्रेड या फिर डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कि वो हमारा क्या है, डोमेस्टिक बिजनेस है, यानी कि हम अपने ही देश में सामान को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसको हमने अपने ही देशों से खरीदा, उसके बाद उसको इनपुट प्रोसेस आउटपुट जो भी प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व किया, और उसके बाद फिर हमने क्या करा, उस फिनिश गुड्स को अपने ही देश में बेचना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो बिजनेस प्रैक्टिसेस होती हैं उनको हम होम ट्रेड या फॉरेन ट्रेड कर जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड की, तो वहाँ हम बात कर रहे हैं ट्रेड बिटवीन नेशंस, यानी कि ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। तो दो देशों का आपस में जो भी ट्रेड है उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड। जैसे कि ट्रेड की बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, जैसे कि कल प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि मल्टीलेटरल ट्रेड होता है, बिलेटरल ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बताया था, ठीक है, विजिबल ट्रेड बताया था, इनविजिबल ट्रेड बताया था। तो अगर हम सिंपली बात करें बिलेटरल ट्रेड की, तो ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, तो उसको तो हम बोलते हैं बिलेटरल। अगर मल्टीलेटरल की बात करें तो ट्रेड बिटवीन नंबर्स ऑफ कंट्रीज, यानी कि किसी भी एक कंट्री का बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड चलता, तो उसको मल्टीलेटरल ट्रेड बोलते हैं। तो वो ये बात हम कर रहे हैं किसमें, होम ट्रेड में और इंटरनेशनल ट्रेड में। चलिए ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। पहला है स्टेटस, होम ट्रेड इज द इंटरनेशनल इंटरनल ट्रेड ऑफ कंट्री वाइल फॉरेन ट्रेड इज एक्सटर्नल ट्रेड। जैसे कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया था होम ट्रेड क्या है, इंटरनल इन द कंट्री, यानी कि कंट्री के अंदर ही जो ट्रेडिंग चल रही है उसको होम ट्रेड बोल रहे हैं। लेकिन अगर एक्सटर्नल बात करें, कंट्री से बाहर जाके बात करें हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। सेकंड लिखा हुआ है एजेंट इन्वॉल्व। ठीक है, अगर हम बात करते हैं होम ट्रेड इन्वॉल्व्स होलसेलर एंड रिटेलर। ठीक है, अगर हम होम ट्रेड की बात करते हैं उसमें होलसेलर और रिटेलर इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि एजेंट है जिनके थ्रू हमारा जो गुड्स है वो फाइनली कस्टमर तक पहुंच रहा है। ठीक है, पहले क्या किया हमने, होलसेलर तक पहुंचाया, होलसेलर से रिटेलर तक पहुंचा, रिटेलर से फिर कस्टमर, फाइनल जो कस्टमर है या जो भी कंज्यूमर है वहाँ तक पहुँचा। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की या फॉरेन ट्रेड की, तो एक्सपोर्टर
इम्पोर्टर्स आर इन्वॉल्व इन फॉरन ट्रेड. फॉरन ट्रेड में एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स के थ्रू क्या है, गुड्स बाहर जाता है. ठीक है, जैसे कोई भी एक एक्सपोर्टर है. अब एक्सपोर्टर खुद, या तो एक्सपोर्टर उसको खुद ही इंटरनेशनली सेल कर रहा है, ठीक है, तो उसको तो हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट. अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है उसको किसी सेकंड पार्टी के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. थर्ड है ड्यूटी. गुड्स इन होम ट्रेड आर सब्जेक्ट टू एक्साइज ड्यूटी वाइल फॉरन ट्रेड हैज़ कस्टम ड्यूटी. अब हम बात करते हैं ड्यूटी की. जैसे कुछ गुड्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें फॉरेन ट्रेड की तो फॉरेन ट्रेड में कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है. ड्यूटी मीन्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुछ गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के को इन्वॉल्व करते हुए हम क्या कर रहे हैं, फाइनली हमारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कस्टमर तक पहुँचा रहे हैं. ठीक है, तो अगर इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं हम एक्साइज ड्यूटी की, और होम ट्रेड की बात करें तो एक्साइज ड्यूटी की बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो हम कस्टम ड्यूटी की बात करते हैं. जैसे आप क्या कर रहे हो, अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट करके वो फाइनली सी पोर्ट तक पहुंच रहा है, वहां से फिर बाई सी वो दूसरी कंट्री तक जा रहा है, तो इस तरीके से जैसे जैसे आगे बढ़ता है एक्साइज ड्यूटी लग जाती है उस पर. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, सच काइंड ऑफ टैरिफ टैक्सेस जो प्रोडक्ट्स पे लगे होते हैं. ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कस्टम ड्यूटी. आपने क्या करा, इम्पोर्ट करा. जब आप किसी भी गुड्स को दूसरे देशों से इम्पोर्ट करते हो तो बहुत सारे टैक्सेस वहाँ पे उसके इंक्लूड हो जाते हैं, तो वो यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं. वेयर हाउसिंग गुड्स इन होम ट्रेड आर केप इन होलसेल वाइल फॉरेन ट्रेड आर बाउंडेड वेयर हाउस. ठीक है, अगर गुड्स होम ट्रेड की बात करें तो होलसेलर के यहाँ वेयर हाउस रहता है. अगर हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन के खुद के वेयर हाउस होते हैं जहाँ से वो माल को लोड करके फाइनली दूसरे देशों तक पहुँचाते हैं. एडवर्टाइजिंग की बात करें, होम ट्रेड गुड्स एडवर्टाइज थ्रू लोकल मीडिया वाइल इंटरनेशनल इन फॉरेन ट्रेड. ठीक है, अगर होम ट्रेड में बात करें तो लोकल एरिया में हम लोकली एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल तो वहाँ पे एक बड़ा मार्केट है, अ वास्ट मार्केट इन द इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे और नंबर ऑफ सोर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग वहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे. ठीक है, और साथ के साथ बहुत ज़्यादा इनोवेटिव स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे एडवर्टाइजिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मार्केट बड़ा है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं. ठीक है, और सब अपने अपने अच्छे तरीके से एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं. ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, रेलवे और रोड्स बाय इन होम ट्रेड, और अगर हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की तो यहाँ पे हम बात करें सी और बाय एयर. मार्केट बात करें तो होम ट्रेड का मार्केट स्मॉल है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड का मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है. ठीक है, क्योंकि अगर हम अपनी ही कंट्री में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है तो वो इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले थोड़ा छोटा है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत सारे देश मिलकर क्या कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो मार्केट है वो बहुत बढ़ जाता है, यानी कि बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है. ठीक है, और उसी के हिसाब से फिर हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होती है ताकि हम वहाँ पर प्रॉपरली कॉम्पीट कर सकें, हमारा प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम तक वहाँ पर सस्टेन रह सके. नेक्स्ट लिखा हुआ है मनी, लोकल एंड फॉरेन करेंसी. अगर हम होम ट्रेड की बात करें तो लोकल करेंसी रहती है, लेकिन हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो दूसरे देश की करेंसी हमारे देश में आती है, फिर वो एक्सचेंज जो भी प्रोसेस होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज का, उसके थ्रू फिर फाइनली वो बैलेंस ऑफ पेमेंट किया जाता है. ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस थे किसमें, इंटरनेशनल ट्रेड या होम ट्रेड में. ठीक है.